हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB की तरफ से यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट का नोटिस निकला था, उसका यहाँ पर जो एग्जामिनेशन डेट पब्लिश कर दिया गया है। उसके साथ साथ बता भी दिया गया है कि यहाँ पर कब आप लोग का जो है एडमिट का डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर हो रहा है कैंडिडेट को, जो है यहाँ पर इसका सिलेबस उन लोगों को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर मुझको एक सिलेबस मिला है, ताकि यहाँ पर मैं आप लोग को देने का कोशिश करूँगा। आप लोग को इसको शायद मदद मिल सकता है कुछ। तो यहाँ पर चलते हैं उस नोटिस के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोग को एक बार देख लेना होगा, यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है 02/2022 एडमिन आर, तो यहाँ पर आप लोग से मिला। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सिलेबस फॉर रिटेन एग्जामिनेशन CPCB रिक्रूटमेंट 2022 सीज एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2022 एडमिन आर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है कि कैसे आप लोग का एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पर आप लोग का CVT होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड रिटेन एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद यहाँ पर इंटरव्यू होगा साइंटिस्ट बी के लिए और बाकी पोस्ट के लिए यहाँ पर रिटेन स्किल टेस्ट। उसके बाद यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू आप लोग का नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर साइंटिस्ट बी के लिए, यहाँ पर आप लोग जानते ही होंगे कि सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, उसके साथ साथ इन्फॉर्मेटरी इंजीनियरिंग, ये सब कुछ आप लोग का यहाँ पर जो डिसिप्लिन दिया गया था, उसके साथ साथ क्वालिफिकेशन भी आप लोग को पता है। तो आप बात करते हैं यहाँ पर सिलेबस की, तो सिलेबस यहाँ पर बोला जा रहा है कि गेट एग्जामिनेशन सिलेबस आप लोग का होने वाला है सिविल केमिकल एनवायरमेंटल के लिए। तो यहाँ पर अगर आप लोग को यहाँ पर देख सकते हो वेब लिंक फॉर रेफरेंस, तो यहाँ पर सिलेबस का रेफरेंस भी आप लोग को मिल जाएगा। अगर आप लोग को डाउनलोड करना है तो सिर्फ इस PDF को एक बार डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद ये जो ब्लू कलर का आप लोग को दिखाई दे, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। देने के साथ साथ यहाँ पर जो है आप लोग को यहाँ पर जो मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं केमिकल इंजीनियरिंग का पूरा यहाँ पर एकदम सिलेबस पूरी तरह से यहाँ पर जो दे दिया गया है। तो इसी तरह से आप लोग जो सिविल का भी देख सकते हैं, यहाँ पर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस का यहाँ पर थोड़ा सा लिंक पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको आप लोग जो है कॉपी करके भी यहाँ पर जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से सबका यहाँ पर जो दिया गया, आप लोग को सिर्फ इसको जो है कॉपी करके देख लेना होगा एक बार। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो पोस्ट दिया गया असिस्टेंट लॉ ऑफिसर, तो इसके लिए यहाँ पर सिलेबस की बात करते हैं, यहाँ पर बैचलर डिग्री जो है कि आप लोग का यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन होना होगा, इसका आप लोग को DU LLB एनवायरमेंटल लॉस जनरल एप्टीट्यूड इंग्लिश मैथमेटिक्स, उसके साथ साथ वो भी यहाँ पर अच्छे NCERT के बेस पर आप लोग का यहाँ पर होने वाला है 10th के। तो इसको भी यहाँ पर अगर आप लोग रेफरेंस चाहते हैं तो यहाँ पर जो लिंक पर आप लोग को सिंपली क्लिक करना है, उसके साथ साथ आप लोग को जो यहाँ पर रेफरेंस मिल जाएगा। उसके बाद असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए यहाँ पर जो आप लोग के पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, जिसके लिए यहाँ पर बोला गया कि DU BCOM एंड सिलेबस जो दिया गया है सबऑर्डिनेट अकाउंटिंग ऑडिट सर्विस एग्जामिनेशन जनरल एप्टीट्यूड इंग्लिश एनवायरमेंट GK मैथमेटिक्स, जो कि यहाँ पर NCERT यहाँ पर जो 12 बेस पे होना वाला है, उसके लिए यहाँ पर जो रेफरेंस की बात करते हैं, यहाँ पर आप लोग को जो मिल जाएगा ब्लू कलर का, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर सिंपली क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, जिसके लिए यहाँ पर मास्टर डिग्री है, जिसके लिए यहाँ पर जो आप लोग को सिलेबस एनवायरमेंटल साइंस जनरल एप्टीट्यूड इंग्लिश एनवायरमेंटल GK मैथमेटिक्स, जो कि NCERT 12 के बेस पे होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर जो आप लोग को पूरी तरह से सब कुछ मिल जाएगा, कैसे आप लोग का एग्ज़ाम होगा, उसके साथ साथ यहाँ पर सिलेबस क्या रहेगा, सब कुछ यहाँ पर जो दे दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं राइट साइड में दिया गया है वाटर एंड वाटर रिसोर्स, सब कुछ यहाँ पर जो पूरी तरह से यहाँ पर जो दे दिया गया है। उसके बाद टेक्निकल सुपरवाइज़र के लिए यहाँ पर डिग्री आप लोग का यहाँ पर क्वालिफिकेशन है, उसके लिए गेट एग्जामिनेशन सिलेबस आप लोग का होने वाला है। उसी के साथ साथ इंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग जनरल एप्टीट्यूड इंग्लिश होगा, उसके साथ साथ एनवायरमेंटल GK होगा, उसके साथ साथ मैथ का आप लोग को 12 का होने वाला है, उसके लिए भी यहाँ पर रेफरेंस भी दे दिया गया है। उसके बाद 6 नंबर असिस्टेंट के लिए यहाँ पर आप लोग का, जो कि जनरल एप्टीट्यूड एनवायरमेंटल GK मैथ्स आप लोग का होने वाला है, इंग्लिश होने वाला है। उसके बाद अकाउंट असिस्टेंट के लिए यहाँ पर जो DU BCOM जनरल एप्टीट्यूड एनवायरमेंटल GK इंग्लिश मैथ आप लोग का होने वाला है 12 बेस का। उसके बाद जूनियर टेक्निकल टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर जो DSEU जनरल एप्टीट्यूड एनवायरमेंटल GK इंग्लिश मैथ NCERT बेस 10th के ऊपर होगा। उसके बाद सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए यहाँ पर आप लोग का CBSE क्लास आप लोग का यहाँ पर जो 12 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आप लोग का होने वाला है, और बायोलॉजी जनरल एप्टीट्यूड एनवायरमेंटल GK एंड इंग्लिश। दोस्तों, यहाँ पर जो सिलेबस थी उसी के बेसिस से आप लोग का एग्जाम होने वाला है।
उसके बाद यहाँ पर छः अपर डिवीजन क्लर्क के लिए यहाँ पर आप लोगों को जनरल एप्टीट्यूड, एनवायरमेंटल जीके, इंग्लिश, मैथ, एनसीईआरटी 10th के बेस पर। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जनरल एप्टीट्यूड, एनवायरमेंटल जीके, इंग्लिश, मैथ, एनसीईआरटी 10th के बेसिस पे। उसके बाद जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए यहाँ पर छः CBSE क्लास 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, जनरल एप्टीट्यूड, एनवायरमेंटल जीके एंड इंग्लिश होने को होगा। उसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए जनरल एप्टीट्यूड, एनवायरमेंटल जीके, इंग्लिश, मैथ, एनसीईआरटी 10 के बेसिस पे। उसके बाद फील्ड अटेंडेंट के लिए यहाँ पर छः जनरल एप्टीट्यूड, एनवायरमेंटल जीके, इंग्लिश, मैथ, एनसीईआरटी 10 के बेसिस पे। और लास्ट यहाँ पर जो है वो है मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड, एनवायरमेंटल जीके, इंग्लिश, मैथ, एनसीईआरटी 8 के बेसिस से आप लोग का यहाँ पर होने वाला है। तो दोस्तों यही आप लोगों के लिए यहाँ पर जो सिलेबस दिया गया था जो कि CPCB की तरफ से। तो सही छोटे से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।